मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ बताओ। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माता जी जब और तुम हिंदू भी नहीं है। मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। हिंदी का वार 24 में एकजुट मोदी का परिवार। देश के कोटि कोटि बच्चे बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका। देशवासियों की हुंकार मैं हूं मोदी का परिवार। और आजकल लोग पूछ रहे हैं तो मोदी का परिवार कौन है? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? टारगेट 400 पार, तैयार मोदी का परिवार। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 19 जैसी गलती 24 में विपक्ष को भारी पड़ेगी। आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। चौबीस का चुनावी रण अब तेज हो चला है। एक तरफ बीजेपी 400 पार के लक्ष्य के साथ सियासी लड़ाई के लिए तैयार है तो उधर तमाम टूट फूट और बिखराव के बावजूद इंडी गठबंधन भी अपने हिस्से की तमाम कोशिशों में लगा है। हाल ही में पटना की रैली में लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर परिवार को लेकर तंज कसा। बोलता के परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तो न सिर्फ मोदी ने पलटकर करारा जवाब दिया बल्कि बीजेपी ने इसे एक ऐसी मुहिम बना दी जो आज देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूँ। विपक्ष ने मोदी का परिवार पर सवाल उठाए तो जवाब मिला, हर देशवासी मोदी का परिवार है, हर गरीब मोदी का परिवार है, हर वंचित मोदी का परिवार है, देश के 140 करोड़ लोग मोदी के परिवार है। और आजकल लोग पूछ रहे हैं तो मोदी का परिवार कौन है? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका व्यक्ति विशेष में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। देश में 24 की चुनावी बिसात बीत चुकी है और सियासी वार पलटवार हर दिन तेज होते जा रहे हैं। पहले से ही टूट और बिखराव का सामना कर रहे इंडी गठबंधन को लालू प्रसाद यादव के उस बयान ने बैकफुट पर ला दिया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार और उनके हिंदू होने पर सवाल उठाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया जिसके बाद देश भर में मुहिम छिड़ गई। आज व्यक्ति विशेष में दिखाएंगे मोदी का परिवार। आप देख सकते हो भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है। वो आपकी आंखों को हर जगह अपनी बेटी नजर आती है। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। कैसे भी हो वापस लाएगा वो, भरोसा रखो। Oh, 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 oh
मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वार्ड रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। मेरा भारत मेरा परिवार। मोदी का परिवार एक मुहिम बन चुका है। 24 के चुनावी रण से पहले बीजेपी ने इसे न सिर्फ सियासी हथियार बना दिया है, बल्कि विपक्ष के लिए ये एक ऐसी गलती साबित हो सकता है जो अस्तित्व बचाने की इस लड़ाई में विपक्ष को बहुत भारी पड़ सकती है। पहले विपक्ष पर तीखा पलटवार, फिर सोशल मीडिया पर मुहिम। बीजेपी ने चौतरफा विपक्ष की घेरेबंदी कर दी है। राहुल, अखिलेश और लालू केजरीवाल, पूरा इंडी गठबंधन इसी सोच में है कि आखिर इस गलती की भरपाई हो तो हो कैसे। भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। पिछली सरकारों में आजमगढ़ और पूर्वांचल ने पिछड़ेपन की तकलीफ ही नहीं उठाई, बल्कि इस दौर में यहां की छवि खराब करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। और योगी जी ने अभी बहुत बढ़िया वर्णन किया है, इसमें रिपीट नहीं कर रहा हूं। जिस तरह पहले की सरकारों में यहां आतंक को, बाहुबल को संरक्षण दिया गया। विपक्ष के इस बयान को ब्लंडर क्यों माना जा रहा है? दरअसल इसके पीछे की वजह 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं हूं चौकीदार अभियान के नतीजे। ऐसा ही कुछ 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था। तब बीजेपी ने मैं भी चौकीदार नाम से अभियान चलाया था। नतीजे सामने आए तो इसका असर भी दिखा और भाजपा 2014 के मुकाबले 2019 में भी और बड़े अंतर से जीती। दो हजार उन्नीस लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता ने राफेल का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था। राहुल गांधी ने अमेठी में कहा था कि चौकीदार जी ने चोरी की है। राहुल के साथ ही विपक्ष के दूसरे नेताओं ने इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी भी की थी। उधर बीजेपी ने राफेल विवाद पर राहुल के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी और बीजेपी ने मैं भी चौकीदार का चुनावी नारा बना दिया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी चौकीदार जोड़ लिया। रैलियों में कार्यकर्ता इसी नारे वाली टी शर्ट और टोपी पहने दिखाई देते। इस तरह से 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार में पार्टी इस नारे का बखूबी इस्तेमाल किया। उस समय प्राइम मिनिस्टर ने अपने हैंडल पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल पे चौकीदार लिखा था, तो उसको उन्होंने कह दिया चौकीदार चोर है। तो उसको भी नरेंद्र मोदी ने उस बाजी को पलट दिया था और वो उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई थी। कांग्रेस को कोई इससे लाभ नहीं मिला और बाद में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्षमा मांगनी पड़ी। इस बार फिर से ऐसा होता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी ने परिवारवादी पार्टियों या जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उनके खिलाफ अपने अभियान को तेज किया है, उसकी धार को तेज किया है। 23 मई 2019 को जब लोकसभा के नतीजे आए तो बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की। बीजेपी ने 2019 में 543 सीटों में से 436 पर उम्मीदवार उतारे थे, बाकी सीटें पार्टी ने सहयोगी दलों को दी थी। पार्टी को 2014 से भी ज्यादा 303 सीट पर जीत मिली। ये आंकड़ा लोकसभा में बहुमत के आंकड़े 272 से भी ज्यादा था। वही इस तरह से चुनाव में एनडीए को 351 जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए को 90 सीटें मिली। नतीजों के बाद 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी ने बहुत सोच समझ के इस नारे को गढ़ा है और इस नारे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के मतदाताओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो
उनको अपने परिवार की तरह मानते हैं। वो मोदी का अपना, क्योंकि मोदी पर इस तरह का आरोप भी है कि उनका अपना कोई परिवार नहीं है, तो वो ये बताना चाहते हैं इस नारे के जरिए कि पूरे देश के लोग उनका परिवार हैं। और इस तरह जो एक कनेक्ट बन रहा है पूरे देश के मतदाताओं के साथ और पूरे देश के आवाम के साथ, वो उसको बनाने में बीजेपी कामयाब है। बीजेपी की इस मुहिम में सिर्फ मोदी के परिवार वाले नारे को ही जोर शोर से नहीं उठाया गया है, बल्कि विपक्ष के परिवारवाद को लेकर तीखे वार किए गए हैं। इंडी गठबंधन के साथियों को उनके परिवारवाद को लेकर बीजेपी लगातार घेर रही है और ये 24 के चुनावी रण का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार जन मानते हैं और पूरा देश मोदी जी को अपने परिवार का हिस्सा मानता है। मैं भी मोदी का परिवार हूँ। क्या लगता है लालू यादव ने किया था उस स्टेटमेंट को? देखिए, जितनी बार इन लोगों ने अपशब्द कहे, गाली निकाली, नीचा दिखाने का प्रयास किया, उतने ही मजबूत होकर नरेंद्र मोदी जी आज तक निकले हैं, आगे भी निकलेंगे। मोदी का परिवार वाली बीजेपी की मुहिम क्या रंग लाएगी? क्या विपक्ष को बयानबाजी वाली ये गलती 2019 की तरह ही झटका देने वाली होगी? इन सवालों के जवाब तो नतीजों के बाद ही मिलेंगे। लेकिन इस मुहिम के बीच एक चीज साफ है कि विपक्ष की इस बयानबाजी के बाद प्रधानमंत्री मोदी को अपने परिवार यानी देशवासियों से एक तरफा समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भूल रहे हैं 140 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ देशवासी, ये मोदी का परिवार है। देश की हर माता, देश की हर बहन मोदी का परिवार है। देश का हर नौजवान, हर बेटा, हर बेटी मोदी का परिवार है। विपक्ष के वार को ना सिर्फ बीजेपी ने हथियार बना लिया है, बल्कि मोदी समर्थकों के नारों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। पीएम मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब तो दिया ही, इसी के साथ विपक्ष के परिवारवाद को भी निशाने पर ले लिया। बीजेपी की यह मुहिम 24 में बेशक विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी करने जा रही है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। चालीस करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है, मेरा भारत, मेरा परिवार। किसी भी वक्त चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है और देश में लोकसभा चुनाव के रण की सरगर्मी हर दिन तेज होती जा रही है। सियासी वार, पलटवार और फिर मुद्दों की राजनीति। एक तरफ बीजेपी तीसरी बार क्लीन स्वीप का लक्ष्य लेकर चुनावी रण में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती आ चुकी है। बिखराव और टूट फूट में फंसे इंडी गठबंधन ने पुरजोर कोशिश तो की, लेकिन हालात बिल्कुल भी गठबंधन के पक्ष में दिखाई नहीं देते हैं। इस बीच पटना की चुनावी रैली में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ ऐसी बयानबाजी कर दी जिसे सियासी युद्ध के जानकार किसी ब्लंडर से कब नहीं मान रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने इंडी गठबंधन की रैली के मंच से पीएम मोदी पर निशाना साधना शुरू किया तो परिवार तक बात ले गए। पीएम मोदी के हिंदू होने पर भी सवाल उठा दिए तो साथ ही उनके परिवार को लेकर भी तंज कस दिया। बोलता कि
परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। जिस मंच से लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर ये तंज किए, उस मंच पर इंडी गठबंधन के दिग्गज नेता भी मौजूद थे। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव के इस बयान के मायने समझते तो हैं, लेकिन अब शायद इंडी गठबंधन के लिए इस बयान को डिफेंड करना मजबूरी भी बन गया था और यहीं से शुरू हुआ एक गलती का ब्लंडर बनने का सफर। देखिए, परिवार में बहस बीजेपी को इसलिए नहीं करनी चाहिए, बीजेपी संकल्प ले कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी भी परिवार वाले से वो वोट नहीं मांगेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है, आपने राम मंदिर में चेहरा देखा? क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा? तो फिर अब मैं आपको बताता हूं, आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा, आप कहोगे नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का आदमी है। और मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए गुजरात में वो जनरल कास्ट के आदमी थे। गुजरात में 2000 में उनकी जात घांची जात को ओबीसी में डाला गया था। विपक्ष की तरफ से तीखे प्रहार हुए तो साफ है कि जवाब भी आना तय था, पलटवार आया भी। तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ लालू प्रसाद यादव के तंज का करारा जवाब दिया बल्कि बताया कि आखिर कौन है मोदी का परिवार। एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा, एक सपना लेकर के चला था, मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखे प्रहार शुरू किए तो यही नहीं रुके और ये मुहिम बन गई परिवारवाद वर्सेस मोदी का परिवार। धार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। साथियों, आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। क्या लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? क्या
एक तरफ पीएम मोदी ने विपक्ष के वार पर करारा पलटवार किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे 24 की मुहिम और 400 पार के लक्ष्य के लिए हथियार बना लिया। मुहिम शुरू हुई मोदी का परिवार। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने साथ मोदी का परिवार जोड़ना शुरू कर दिया। एक एक कर ये मुहिम देश में अभियान का रूप लेती चली गई और बच्चे बच्चे की जुबान पर प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन और खुद को उनका परिवार बताने की मुहिम शुरू हो गई। विपक्ष ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो की, लेकिन देर हो चुकी थी। एक गलती और उसका असर दिखने लगा। पीएम मोदी न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी उनके चाहने वालों के लिए बर्दाश्त के बाहर है, तो परिवार को लेकर विपक्ष के इस तंज ने हर किसी के अंदर गुस्से का भाव पैदा कर दिया और इसी गुस्से ने अभियान का रूप लिया और आज देश के हर कोने से आवाज आ रही है, मैं हूँ मोदी का परिवार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ ही व्यक्ति विशेष में इतना ही। नमस्कार।